दोस्तों, हमारे पिछले कुछ वीडियो जनरल साइंस पर बने हुए थे, इसलिए हमने सोचा कि सिर्फ जनरल साइंस ही क्यों, कोई और चैप्टर्स भी लेते हैं। इसीलिए हम इस बार लेकर आए हैं आपके लिए सोशल स्टडीज का चैप्टर नंबर 4, इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। तो बिना देरी के शुरू करो। आज हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। इवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट बिल्कुल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन की तरह है, जो बहुत सारे हिट्स और ट्रायल के बाद इवॉल्व हुआ है इस टाइम तक। पुराने हिस्ट्री की माने तो मैन सबसे ज़्यादा स्लोली और पेंस्टिकली इवॉल्व है ट्रांसपोर्ट पर। बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो इवॉल्व हो चुके हैं, जबकि कुछ एक्सटेंस के कागार पर है। बहुत सारी एक्सपेंशन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और कल्चर के बाद कुछ ट्रांसपोर्ट इवॉल्व हुए हैं। अब जानते हैं इन्वेंशन ऑफ व्हील्स एंड बिगिनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। पुराने टाइम में कोई चक्के नहीं थे और कोई व्हीकल्स भी नहीं थे, जिसकी वजह से अर्ली ह्यूमंस को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चलना पड़ता था, और बाय चांस कभी वो अपने कंधों पर डेड एनिमल्स भी लाना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें अपना काम खुद ही करना पड़ता था। पहले उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना अपने लोड को हॉर्सेस उस डोंकी के ऊपर रख दी जाए, क्योंकि इसकी मदद से उन्हें उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ जानवरों के पीछे रैफ्ट बांधकर, रैफ्ट के ऊपर सामान रख के जानवरों को किसी चीज से मारा जाता था, जिसकी वजह से जानवर को दर्द हो और वो आगे बढ़े, और जैसे ही वो आगे बढ़े पीछे बांधा हुआ रैफ्ट वो खिंचाए। यहाँ स्क्रीन पर आप रैफ्ट की फोटो देख सकते हैं। और कुछ ही टाइम के बाद उन्होंने रैफ्ट का आविष्कार किया। रैफ्ट एक कुछ बैम्बूस को एक साथ बांधकर पानी में तैरने के काम आता है, जिसके ऊपर हैवी लोड रखकर एक जगह से दूसरी जगह पानी के जरिए पहुंचाया जा सके। ये आइडिया अर्ली ह्यूमंस को बहुत समय बाद आया। स्लेट की फोटो आप स्क्रीन पे दिए गए फोटो पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। साथ ही इससे पहले जो उन्हें रैफ्ट बनाने का जो आइडिया आया था, ये रैफ्ट सिर्फ स्मूथ सरफेसेस पर चल सकते थे, जैसे कि कोई पहाड़ वाले इलाके पर ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये बने लॉग से, जो लकड़ी से बना हुआ है। कुछ समय बाद अर्ली ह्यूमन को ये समझ में आया कि राउंड लॉग्स जमीन पर ज़्यादा आसानी से चल सकते हैं। ये आइडिया उन्हें नेथोलिथिक एज के 350 BC में आया था, और ये आइडिया इन्वेंट किया व्हील को। ये ह्यूमन डेवलपमेंट हिस्ट्री का मेजर माइलस्टोन था। ये माना जाता है कि पहले जो व्हील्स थे वो राउंड लॉक के बनाए जाते थे, और ये व्हील का इन्वेंशन उनके लिए इजी भी था और फास्ट भी था, क्योंकि इसकी मदद से वो दूर दूर तक आराम से बिना किसी रुकावट के जा सकते थे। ये अर्ली ह्यूमंस की लाइफ भी बदल दिया। ये भी कहा जाता है कि व्हील सबसे पहले पॉटर्स के द्वारा यूज हुई थी। पहले व्हील्ड व्हीकल का एविडेंस 4th millennium सेकेंड हाफ को मिसोपोटामिया और सेंट्रल यूरोप में मिला था। व्हील के इन्वेंशन के बाद पीपल कार्ट, चैरियट और बुलॉक कार्ट यूज करते थे ट्रेवल करने के लिए, और इसी टाइम में बोट और भी वाटर ट्रेवलिंग के लिए इन्वेंट हुए। उस समय हॉर्स बहुत पॉपुलर थे, क्योंकि मेडिवल पीरियड में ट्रेवलिंग हॉर्स पर करना बहुत ही सिंपल था। और अब हम बताएंगे ट्रांसपोर्टेशन इन मिडिल एज। ट्रांसपोर्टेशन इन मिडिल एज बहुत एडवांस नहीं था। पीपल ज़्यादातर हॉर्स, मूल्स और कार्ट पर से ट्रेवल करते थे, और कभी कभी तो चलते भी थे।
सिर्फ पानी पर ट्रैवलिंग करना ही उनके लिए ज्यादा आसान था, क्योंकि उस समय रोड नहीं बने थे। मिडिल एज की बोट विंड से चलती थी। आपने किसी कार्टून या मूवी में जरूर देखा होगा कि कैसे एक बोट के ऊपर एक कपड़े की मदद से हवा के फोर्स से बोट चलती है। व्हीकल जैसे कि वीगन और हॉल उस समय में लोड कैरी करने के लिए जाने जाते थे। सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन में चेंज हुआ 4400 AD में, क्योंकि जो ट्रैक मड से बने हुए थे वो रोड में रिप्लेस हो गए, और उसी समय व्हील्ड कार्ट की पॉपुलेशन बढ़ गई, क्योंकि स्मूथ रोड में व्हील्ड कार्ट आसानी से और बहुत तेजी से चल सकती थी। ये मिडिल एज की ट्रांसपोर्टेशन ट्रेडिंग और ट्रैवलिंग इंक्रीज करने में ज़्यादा मदद आई, खास करके यूरोप में। इतना ही नहीं, अब तो वाटर में ट्रैवलिंग करना भी आसान हो गया था। बहुत सारे इन्वेंशन रेंडर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सी को बढ़ाने में मदद करे। अब तो लैंड में और सी में दोनों में ट्रांसपोर्ट करना इस एज में बहुत आसान था। साथ ही साथ यहाँ पे बूमिंग इकोनॉमी और मेजर इनोवेशंस थे। इस रिजल्ट में मिडिल एज बहुत टाइम के बाद कुछ नए इन्वेंशन के साथ आया। बात करेंगे मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की। ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत समय के बाद ट्रीमेंडोसली इवॉल्व हुआ, क्योंकि आप तो दूर दूर जगहों पर बहुत ही कम समय में ट्रेवल किया जा सकता था। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी साइंस और टेक्नोलॉजी की, क्योंकि अब क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बने थे रोड पे, वाटर पे और एयर पे। पहले जानेंगे लैंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। लैंड ट्रांसपोर्टेशन में रोड और रेलवे आते हैं। ये लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को कवर करता है, जो उन्हें मूवमेंट्स ऑफ पीपल गुड और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हमारे इंडिया में वर्ल्ड का लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। अभी हम लोग रोड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे कि कार, बस, स्कूटर, ट्रक को पक्का रोड्स चाहिए ड्राइव करने के लिए। पक्का रोड स्टोन और कोल तार के बने होते हैं। हमारे कंट्री में पक्का रोड्स का लार्जेस्ट नेटवर्क है। ये रोड कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज को एक दूसरे से जोड़ता है। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे सरफेस्ड रोड है। नेशनल हाईवे स्टेट कैपिटल और जरूरी सिटीज को एक दूसरे से जोड़ता है, और स्टेट हाईवे इम्पोर्टेंट सिटी टाउन और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को स्टेट से जोड़ता है। ये नेशनल हाईवे को फीडर की तरह सर्व करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड इम्पोर्टेंट टाउन और डिस्ट्रिक्ट साथ को कनेक्ट करता है। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को अलग अलग स्टेट्स के साथ जोड़ता है। दुनिया की सबसे लंबी सड़क लेह मनाली रोड है, जो हिमाचल प्रदेश के मनाली से लेकर जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख रीजन तक है। दोस्तों, ये इस चैप्टर का पार्ट वन। अगर आपको इसका पार्ट टू चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप ये वीडियो हम अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके अगले पार्ट में हम आपको रेलवे सिस्टम, मेट्रो सिस्टम, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में बताएंगे।